अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टिंडे की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम यूनिक स्टाइल से बनाएंगे, बिल्कुल न्यू स्टाइल से टिंडे की सब्जी। यकीन करें अगर आप एक मरतबा बना लेते हैं तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाफ के जी मैंने टिंडे लिए हैं, टिंडे बिल्कुल आपने स्मॉल साइज़ के लेने हैं। ये देसी टिंडे हैं, इसका छिलका भी बारीक होता है। यकीन करें बड़े फ़ायदों से भरपूर होते हैं टिंडे। जब भी सीज़न में आए तो आप टिंडों की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खाया करें, लज्जत से भरपूर होते हैं। सबसे पहले छिलका रिमूव करेंगे, आपने छुरी की मदद से हल्के हल्के हाथों से छिलका रिमूव करना है। पीलर की मदद से आपने छिलका रिमूव नहीं करना, वरना जो हमारे टिंडे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसका छिलका बहुत बारीक होता है, इसलिए आपने छुरी की मदद से काटना है। देखिए हमने छिलका रिमूव कर दिया, छिलका हमने काट दिया, अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया। अब जो बड़े पीसेज हैं उसको 4 कट लगाएंगे और जो स्मॉल साइज़ का टिंडा है उसका फिर हम 2 कट कर लेंगे। बस दरमियाने साइज़ में आपने कट कर लेना है, इसी शेप में आपने कट कर लेना है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक वॉच किया करें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इस तरीके से अगर आप टिंडे बनाते हैं तो टिंडों का फ्लेवर डबल हो जाता है। 1/2 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है। हाफ टी स्पून आपने नमक ऐड करना है। अब इसमें दही ऐड करेंगे, दही से ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा टिंडों में। 3-4 टेबलस्पून भरकर आपने दही ऐड करना है। दही को पहले आपने अच्छे से बीट कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिंडों को इस तरह स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इस तरह अगर आप टिंडे बनाते हैं, टिंडे की सब्जी, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। चले मसाले लगा के हमने रख दिया, टिंडों को एक साइड पर रख देते हैं, दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं ग्रेवी वाला। सबसे पहले पैन में 1/2 कप तेल ऐड करेंगे। जैसे तेल गर्म होगा इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा स्मॉल साइज़ का, 1 से 2 मिनट आपने कड़कड़ाना है। साथ ही आपने प्याज ऐड कर देना है, लार्ज साइज़ का एक प्याज था, प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। 1 से 2 मिनट हम प्याज को फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर आपने प्याज को फ्राई करना है। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर की हमने इसमें प्यूरी ऐड करनी है, इसलिए टमाटर की आपने 2 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर हैं इसलिए आपने इसकी प्यूरी हमने बना लेनी है। 1/2 कप पानी ऐड करके ग्राइंडर में, देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर हम एज इट इज़ शामिल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले से दिखा दिए हैं कि इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। 1/2 कप पानी ऐड करके, 2 लार्ज साइज़ के टमाटर थे, ग्राइंडर में अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। देखिए लहसुन की भी अच्छे से हमने भुनाई कर ली है, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका, प्यूरी भी हमने ऐड कर दी 1/2 कप पानी ऐड करके। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना, चूँकि हमने जो टिंडों को ऑलरेडी मैरिनेट करके पहले से रखा उसमें भी स्पाइसेस ऐड किए थे, इसलिए इसमें हमने 1/2 टीस्पून के हिसाब से स्पाइसेस ऐड किए हैं। देखिए ग्रेवी को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था, मसाला हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका हुआ। अब मसाले को ज़बरदस्त सा लुक देने के लिए ग्रेवी को इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, जिससे ज़बरदस्त सा लुक आएगा मसाले का, ग्रेवी का कलर ज़बरदस्त सा आएगा। बहुत ही मज़ेदार या मसालेदार ये टिंडे बनते हैं। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ है, अब इसमें टिंडे ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रख लिए थे मसाले ऐड करके। इस तरह आप स्पाइसेस ऐड करके और मैरिनेट करके टिंडों को रख देते हैं तो यकीन करें फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। टिंडे हमने ऐड कर दिए हैं, बाकी जो मसाला बाउल के अंदर रह गया उसमें भी हम पानी ऐड करेंगे ताकि वो मसाला भी ज़ाया ना हो, हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। 1 गिलास आपने पानी ऐड करना है ताकि टिंडे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए।
अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने लो फ्लेम पर टिंडों को पकने के लिए रख देना है। टिंडे गोश्त की सब्ज़ी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, मसाले दही टिंडे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टाइल से टिंडे की सब्ज़ी बनाते हैं तो यकीन करें घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे। देखिए लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख दिया, टिंडे हमारे अच्छे से गल चुके हुए हैं, सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका हुआ है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ, टिंडे बहुत सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। और आखिर में हम ऐड करेंगे 1/4 teaspoon आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको आज की सब्ज़ी पसंद आई होगी, टिंडे की सब्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।